हाई ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप, हाइपरटेंशन एक ऐसी समस्या है साथियों जो आपके पूरे शरीर को तनाव में ला देती है, और विशेष तौर पर अगर आपको डायबिटीज़ हो तो यह किडनी पर बहुत बुरा असर डालती है। हम एलोपैथिक दवा का सेवन करते हैं लेकिन हमें एक चिंता रहती है कि मैं दवा से ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल आ रहा है लेकिन हमारे शरीर का स्ट्रेस तनाव नहीं कम हो रहा है, और वक्त के साथ आपकी एलोपैथिक डोज भी बढ़ती है। तो आज हम साथियों आपको बताएंगे शरीर के उस तनाव को ख़त्म करने का एक अचूक घरेलू नुस्खा जो आपकी एलोपैथिक दवा का सब्स्टिट्यूट तो नहीं है लेकिन उसके साथ सिनर्जिकली बढ़िया काम करके आपको, आपके शरीर को और आपके मस्तिष्क को बेहतर स्थिति में लाएगा। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन यानी उक्त रक्तचाप बहुत बड़ी समस्या है साथियों, क्योंकि यह फेटल होती है। जब व्यक्ति को बहुत दिन तक ब्लड प्रेशर रहता है, और अगर शायद साथ में डायबिटीज़ भी होती हो, अगर बहुत वक्त तक ब्लड प्रेशर रहता है तो उसकी किडनीज ख़राब होने लगती हैं, उसके बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, वह बहुत परेशान रहता है। आप एलोपैथिक दवा खाते रहते हैं, बीपी कंट्रोल रहता है लेकिन कभी कभी फ्लक्चुएट भी होता है। ऐसी सूरत में हम एक सवाल का जवाब तलाशते हैं कि आखिर हम और क्या कर सकते हैं कि हमारी जो खुराक है एलोपैथी की वह डोज ना बढ़े और हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहे। तो आज साथियों हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कम करें या कैसे नॉर्मल करें। ये जो साथियों घरेलू नुस्खा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी एलोपैथिक दवा का विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि आप उसकी जगह इस नुस्खे को करने लगे। ये नुस्खा उसके साथ करने वाला नुस्खा है कि जो आपके बॉडी का स्ट्रेस है वह आपके ना आए और आपका तनाव ख़त्म हो और आपकी जो डोज एलोपैथिक आप ले रहे हैं वो ना बढ़े। इसके प्रयास ही एक नुस्खा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक जानलेवा दिक्कत है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस नुस्खे पे निर्भर ना रहें, लेकिन साथ में हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप इस नुस्खे को करें भी ज़रूर। आप इसको इसलिए करें क्योंकि यह आपको देगा तो फायदा ही देगा, नुकसान कुछ नहीं देगा। तो साथियों बताते हैं आपके उस सवाल के जवाब में कि हम ऐसा साथ में दवा खाने के और क्या कर लें जो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, हमें एलोपैथिक डोज ना बढ़ानी पड़े और हमारे बॉडी का स्ट्रेस ख़त्म ना हो जाए। तो आज हम आपको साथियों बताते हैं एक बड़ा अच्छा सा नुस्खा जो आपके इसी सवाल को जवाब देने में मदद करेगा। आपको साथियों लेना है 1-2 ग्राम सिनेमन, सिनेमन यानी दालचीनी, सिर्फ 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम एक दिन में, इससे ज़्यादा दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हो सके तो साइलॉन वाली लें, साइलॉन वाली जो दालचीनी होती, जो सिनेमन होती है, वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है केसिया के मुकाबले। आप अपने पंसारी की दुकान पर जाएंगे, गूगल करके जाएंगे, अभी हम आपको फ़ोटो लगा देंगे, आप वही वाली सिनेमन लीजिएगा, आपको फ़ायदा करेगी। तो आप 2 ग्राम सिनेमन दालचीनी लीजिए, उसमें आप शहद मिला लीजिए, शहद यानी हनी, 1/2 चम्मच शहद मिला लीजिए, और उसको आप रोज़ सुबह 1 बार सेवन कर लिया करिए। आप देखेंगे साथियों कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा, आपका बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वह नॉर्मल होने लगा। बहुत अद्भुत नुस्खा है साथियों ये, और बहुत आसान भी है। शहद आपको 1 बार इंतज़ाम करना है, दालचीनी आपको 1 बार इंतज़ाम करना है, 2-2 ग्राम करके वह चलती रहेगी और शहद भी आपका इस्तेमाल होता रहेगा, तो आपको उससे न्यूट्रिशन भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने में मदद लगेगी रहेगी, जिससे आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी।
आप इस नुस्खे को करिए साथियों, मैं समझता हूँ आपको लाभ होगा। और हम आपको साथियों बताते हैं इससे लाभ क्यों होगा। आखिर ऐसा क्या है, इस छोटी सी बात में दो चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं जो हम सब के घर में रहती, हमारा ध्यान नहीं जाता, ऐसा क्या होगा उससे जो आपको लाभ होने लगेगा। ऐसा साथियों इसलिए होगा क्योंकि जो सिनेमन या दालचीनी होती है उसमें पाया जाता है कोरोमिन नाम का कंपाउंड। कोरोमिन साथियों नेचुरल ब्लड थिनर है, यह आपके खून को पतला करता है। तो जब आपका ब्लड थिन होगा, खून पतला होगा, जिसके लिए आप इस इकोस्प्रिन वगैरह तमाम दवाएं लेते होंगे, वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा। उसके अलावा जो सिनेमन होता है साथियों वो एचडीएल बढ़ाता है, आपके बॉडी का जो गुड लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो गुड लिपिड होता है, हाई डेंसिटी लिपिड होता है, उसको सिनेमन बढ़ाता है। और साथ में साथियों हनी, इसलिए आपको हमने इसमें बताया है क्योंकि हनी जो शरीर का रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आरओएस होता है उसको कम करता है। रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो मापदंड होता है जिसमें कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस होते हैं तो एंजाइम्स रिलीज करती हैं फ्री रेडिकल्स को, और यह जो फ्री रेडिकल्स होते हैं यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होते हैं, तो इससे आपके बॉडी का आरओएस इंक्रीज होता है। लेकिन जब आप शहद का सेवन करते हैं तो आपका रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर का कम होता है, तनाव कम होता है, और जाहिर सी बात है जब तनाव कम होगा साथियों तो ब्लड प्रेशर कम होगा। और आपको एक जानकारी दे दें साथियों, जो शहद है आज तक मानव के ब्लड के खून के सबसे करीब का अगर कोई कंपाउंड है इस धरती पे तो वह शहद है। तो आप सिनेमन और शहद को मिला के, दालचीनी और शहद को मिला के इसको रोज सुबह एक बार सेवन कर लें, आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। करिएगा साथियों इस नुस्खे को और हमको बताइएगा आपको इससे लाभ मिला कि नहीं मिला। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं प्रयास करूंगा आपकी बात का जवाब दे सकूं। एक बात साथियों और बताना चाहूंगा कि यह मतलब एक जानलेवा दिक्कत है क्योंकि किडनी पे ब्लड प्रेशर सीधा इफेक्ट करता है, तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से बिना कुशल चिकित्सक से पूछे उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे इस रेमेडी को ना लीजिएगा, उसके साथ आप ले सकते हैं। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।